हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीषाज क्रोशे आर्ट। आज की वीडियो में हम ये बहुत ही खूबसूरत क्रोशे डॉल तोरण बनाएंगे। देखिए, बहुत ही खूबसूरत है और इजी टू मेक भी है। बिगिनर्स भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसी वीडियो में तोरण पट्टी, तोरण और डॉल भी इसी वीडियो में बनाया है, इसीलिए थोड़ा सा लंबा है। पर वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अगर पसंद आता है फ्रेंड्स तो लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल मनीषाज क्रोशे आर्ट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन जरूर ऑन करिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। देखिए, चलिए शुरू करते हैं क्रोशे डॉल तोरण। सबसे पहले हम तोरण पट्टी बनाएंगे। तोरण पट्टी बनाने के लिए मैंने दो कलर लिए है, आप अपने पसंद के कलर ले सकते हो। ये 10 नंबर क्रोशे हुक है और ये 154 चेन है। मैंने हमारे दरवाजे के मेजरमेंट के हिसाब से चेन बनाई है, आप अपने दरवाजे का नाप लो और उस हिसाब से चेन बनाओ। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स। शुरुआत की 3 चेन को स्किप करेंगे, 1 2 3, 3 को स्किप करेंगे, फोर्थ वाली चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट वाली जो 3 चेन है उसे हम एज ए डबल क्रोशे काउंट करेंगे। एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, एक भी चेन को स्किप नहीं करेंगे, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे ही पूरी चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। में लास्ट डबल क्रोशे, 1 चेन लेकर टर्न करेंगे, फिर से एक लेयर बनाएंगे हम, एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे। जितने डबल क्रोशे पहली लाइन में है उतने ही डबल क्रोशे इस लाइन में भी आएंगे। लाइन कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट हो गई है। वन चेन लेंगे, इस बार हमें डबल क्रोशे के बीच में, दो डबल क्रोशे के बीच में स्टिच लेना है। चेन एक डबल क्रोशे बना दिया दो डबल क्रोशे के बीच में, अब नेक्स्ट वाली गैप में एक डबल क्रोशे। इस शुरुआत के 3 चेन को हम एज ए डबल क्रोशे काउंट करेंगे, नेक्स्ट वाली स्टिच में एक डबल क्रोशे। स्टिच में नहीं लेना है, दो डबल क्रोशे के बीच में बनाना है डबल क्रोशे। ऐसे ही हमें दोनों तरफ से बनाना है। कॉर्नर तक आ गए हैं हम, यहां पर हमें 1 2 चेन बनाने हैं और इसी डबल क्रोशे के ऊपर 1 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और जो स्टिच है यहां पर एक डबल क्रोशे बनाएंगे और इस तरफ का जो डबल क्रोशे है यहां पर दो डबल क्रोशे, 1 2 टू चेन, 1 2। इसी जगह पर
एक डबल क्रोशेट और अब इस तरफ से दो डबल क्रोशेट के बीच में एक एक डबल क्रोशेट बनाते हुए जाएंगे। देखिए ऐसे ही बनाना है लास्ट तक और पट्टी कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स पट्टी कंप्लीट हो गई है। अभी हम तोरण की शुरुआत करेंगे। ये जो लूप है फर्स्ट वाला, स्टिच के नीचे से दो डबल क्रोशे के बीच में यहां से ऊन को जोड़ेंगे। वन टू थ्री चेन और इसी जगह पर एक डबल क्रोशे लेंगे। दो डबल क्रोशे हो गए, वन चेन बनाएंगे, एक स्टिच को छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाली स्टिच में फिर से दो डबल क्रोशे बनाएंगे। वन टू, वन चेन, एक स्टिच को स्किप करेंगे नेक्स्ट वाली स्टिच में। देखिए एक गैप को छोड़ दिया है मैंने बीच में, वन चेन टू डबल क्रोशे, वन टू, वन चेन, एक को स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले में टू डबल क्रोशे। देखिए ऐसे हमें 10 टाइम्स करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दो दो के 10 हो गए। अभी हम 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 टेन चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 सेवन गैप को स्किप करेंगे और आठवें गैप में डबल क्रोशे बनाएंगे। दो डबल क्रोशे बनाए हैं, वन चेन, एक को स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले में दो डबल क्रोशे, वन चेन स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले में टू डबल क्रोशे, वन टू। वन चेन टू डबल क्रोशे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। फिर से हम 10 चेन बनाएंगे, यहां पर 7 को स्किप करेंगे, 8 से शुरू करेंगे, ऐसे ही हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स लाइन कंप्लीट कर दी है मैंने। वन चेन ले ली है मैंने, टर्न करेंगे। ये जो चेन का गैप है वहां पर हमें दो डबल क्रोशे बनाने हैं, वन टू, वन चेन लेंगे, वन टू, वन टू, वन चेन, वन
वन चेन, वन टू डबल क्रोशे, वन चेन, वन टू डबल क्रोशे, वन चेन, टू डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, यहां पर हमने 10 चेन बनाई थी, अब हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाकर यहां पर ऐसे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5, टू डबल क्रोशे, वन टू, वन चेन, वन टू डबल क्रोशे, वन चेन, वन चेन, देखिए फाइव चेन, 1 2 3 4 5, वन टू थ्री, फोर्थ वाले गैप में स्टिच में करेंगे एक सिंगल क्रोशे, चेन को बीच में लेकर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर से 5 चेन, 2 3 4 5, यहां पर 2 डबल क्रोशे, 1 2, ऐसे ही पूरी लाइन। देखिए सेकंड लाइन भी कंप्लीट हो गई है, थर्ड लाइन की शुरुआत करेंगे। वन चेन ले ली है मैंने, अभी हम इसे टर्न करेंगे, चेन वाली गैप में टू डबल क्रोशे, 1 2, वन चेन, नेक्स्ट वाली गैप में टू डबल क्रोशे, 1 2, वन वन चेन, और अभी हमें यही से टर्न करना है और एक एक पैटर्न को कंप्लीट करना है, एक एक पत्ती कंप्लीट करेंगे, यही से टर्न करेंगे। वन चेन कर दी है मैंने, टू डबल क्रोशे, वन चेन, नेक्स्ट वाली गैप में 1 2 डबल क्रोशे, वन चेन, नेक्स्ट वाली गैप में 1 2 डबल क्रोशे, वन चेन, नेक्स्ट वाली गैप में 1 2 डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, वन चेन, देखिए अभी हमें फिर से यहां से टर्न करना है। वन चेन ले ली मैंने, वन टू डबल क्रोशे, वन चेन, टू डबल क्रोशे, वन चेन, टू डबल क्रोशे,
वन चेन टर्न करेंगे। वन चेन वन चेन टू डबल क्रोशे टर्न करेंगे। वन टू डबल क्रोशे वन चेन टू डबल क्रोशे वन चेन टू डबल क्रोशे टर्न करेंगे। वन टू डबल क्रोशे टर्न करेंगे। वन टू डबल क्रोशे वन चेन टू डबल क्रोशे वन चेन लेंगे और ऊन को काटेंगे। इसी तरीके से बाकी की पत्तियां भी ऐसे ही पूरी करनी है। मैं वो बना लेती हूँ फिर आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए पत्तियां कंप्लीट हो गई है, सभी पत्तियां मैंने बना ली है। अभी हमें यहाँ पर गुड़िया लगानी है। दो पत्तियों के बीच में यहाँ पर गुड़िया लगाएंगे। चलिए देखिए फ्रेंड्स, डॉल को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है और नीचे लटकन भी लगाया है। एक डॉल और एक लटकन आप लोगों के साथ लगाऊंगी। चलिए अभी हम पहले डॉल का फ्रॉक बनाते हैं, उसके बाद हम डॉल बनाएंगे और यहाँ पर अटैच करेंगे और यहाँ पर एक लटकन लगाएंगे। स्लिप नॉट गुड़िया का फ्रॉक बनाएंगे। वन टू थ्री एट नाइन टेन, टेन चेन। पहली चेन में से स्लिप स्टिच करेंगे और एक सर्कल बनाएंगे। वन टू थ्री चेन, सिक्सटीन डबल क्रोशे चाहिए हमें इस सर्कल में। फर्स्ट थ्री चेन को हम एज ए डबल क्रोशे काउंट करेंगे और ये वन और टू थ्री फोर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन डबल क्रोशे हो गए। वन टू थ्री थर्ड वाली चेन में से स्लिप स्टिच करेंगे। वन टू थ्री चेन, इसे हम एज ए डबल क्रोशे काउंट करेंगे। सेकंड वाली डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे, हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे लेंगे। सेकंड राउंड में भी 16 डबल क्रोशे बनेंगे। फोर फाइव सिक्सटीन, वन टू थ्री थर्ड वाली चेन में से स्लिप स्टिच करेंगे।
वन टू थ्री चेन, इसी स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, ये दो हो गए। नेक्स्ट वाले थ्री स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री, थ्री स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाए। पहले वाले में दो बन गए, अभी नेक्स्ट वाले में दो डबल क्रोशे, वन टू, नेक्स्ट वाले थ्री स्टिच में एक एक डबल क्रोशे, वन टू थ्री, नेक्स्ट वाले स्टिच में टू डबल क्रोशे, वन टू। अब थ्री स्टिच में एक एक डबल क्रोशे, वन टू थ्री, वन टू थ्री, थर्ड वाली चेन में से स्लिप स्टिच करेंगे। वन चेन लेकर ऊन को काटेंगे। व्हाइट कलर जोड़ेंगे, वन टू थ्री चेन, एक डबल क्रोशे। थ्री चेन को हम एज डबल क्रोशे काउंट करेंगे और एक डबल क्रोशे, टू हो गए। बीच में एक स्टिच का गैप छोड़ेंगे। इस बार हमें स्टिच में नहीं करना है डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे के बीच में करना है। वन, इसी जगह पर एक और टू डबल क्रोशे, एक स्टिच का गैप छोड़ेंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में वन टू डबल क्रोशे, एक स्टिच को छोड़कर सेकंड वाली स्टिच में टू डबल क्रोशे, वन वन टू डबल क्रोशे। थर्ड वाली चेन में से स्लिप स्टिच करेंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। वन चेन लेकर ऊन को काटेंगे। नेक्स्ट राउंड में हमें ब्लू कलर का यूज करना है, स्लिप नॉट। जो बीच वाली जगह है स्टिच के नीचे से उनको निकालेंगे। वन टू थ्री चेन, थ्री चेन को हम एज डबल क्रोशे काउंट करेंगे और दो डबल क्रोशे के बीच में यहाँ पर आगे आएंगे। यहाँ पर वन टू, टू डबल क्रोशे, वन डबल क्रोशे। जहां पर ये दो डबल क्रोशे है उसके बीच में दो डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू डबल क्रोशे। और ये जगह है उसके बाद यहां पर वन डबल क्रोशे, वन डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, वन डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, ऐसे एक के बाद एक बनाएंगे। एक यहाँ पर दो डबल क्रोशे बनाए, आगे यहाँ पर वन डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू डबल क्रोशे, वन डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, ऐसे ही राउंड कंप्लीट करेंगे।
राउंड कंप्लीट कर दिया है मैंने, 1 2 3, 1 2 3 थर्ड वाली स्टिच में से स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 3 थ्री चेन बनाएंगे और यहीं से एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, दो डबल क्रोशे हो गए, नेक्स्ट वाली से 1 2, हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाना है। वन टू, नेक्स्ट वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशे, ऐसे ही हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। थर्ड वाली चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे और राउंड कंप्लीट हो गया है। 1 चेन लेकर उनको काटेंगे, इसे यहीं पर हाइड करेंगे, देखिए अभी हमें यहाँ पर ऊन को अटैच करना है। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11, 12 चेन और इसी के बराबर बैक साइड में सिंगल क्रोशे करेंगे और अटैच करेंगे। फिर से 12 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और फिर से इसी तरफ आएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 चेन लेकर ऊन को काटेंगे। अभी हम गुड़िया की हैट बनाएंगे, एक मैजिक सर्कल। वन टू थ्री चेन, इसमें हम 12 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 3 4 10 11 12, 12 डबल क्रोशे हो गए। मैजिक रिंग को टाइट करेंगे, थर्ड वाली चेन में से स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन, 1 2, 3 चेन, नेक्स्ट वाली स्टिच में से एक डबल क्रोशे, हर एक स्टिच में से एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, थर्ड वाली स्टिच में से एक स्लिप स्टिच, 3 चेन, 1 2, 3 चेन, इसी स्टिच में से एक डबल क्रोशे,
दो हो गए, हर एक स्टिच में दो दो डबल क्रोशे बनाएंगे। हर एक स्टिच में से दो डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हर एक स्टिच में टू टू डबल क्रोशे बनाते हुए राउंड कंप्लीट कर दिया है मैंने, और यहाँ पर स्लिप स्टिच भी बनाई है। हम वन चेन लेकर उनको काटेंगे। देखिए गुड़िया की हैट बनकर तैयार है। और ये ड्रेस, अभी हम गुड़िया बनाएंगे और ये ड्रेस गुड़िया को पहनाएंगे और तोरण में लगाएंगे। उसके लिए मैंने ये सिंपल वाली ऊन ली है, सॉफ्ट ऊन। और उंगली के ऊपर उनको ऐसे लपेटेंगे। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, जितना आप कम ज्यादा ले सकते हो। कुछ कम कुछ ज्यादा चल जाता है। अभी हमें इसे यहाँ पर हम इसे बांधेंगे। टाइट नॉट लगाएंगे। इस तरफ से भी बांधेंगे। ऐसे हमें एक और पीस निकालना है। इसके लिए एक कार्डबोर्ड लिया है मैंने, ये थोड़ा लंबा चाहिए। कार्डबोर्ड से इसको ऐसे निकाल लेंगे। बीच में क्रोशे को ऐसे रखकर यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे। ये गुड़िया का सर बनेगा। एकदम टाइट नॉट लगाएंगे। यहाँ पर गुड़िया के हाथ पैक करेंगे।
पर एक नॉट लगाएंगे। थोड़ा ऊन का धागा लेंगे, इतनी ऊन बहुत कुकरों से मिलेंगे और आराम से ऐसे इस तरफ से निकाल लेंगे। देखिए यहां से ऐसे नॉट लगाएंगे एक, देखिए अभी हमें साइड के धागे काटेंगे। इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, पर ये फूला फूला अच्छा लगता है इसलिए मैं इसे काटती हूँ। इस तरफ से भी काटेंगे। देखिए क्रोशे को अंदर डालकर ऊन को यहाँ से अटकाकर अंदर से निकालेंगे। और ये देखिए हमारी गुड़िया ने हैट पहन ली। अभी हम इसे यहाँ पर बांधेंगे। दोनों में से एक धागे को यहाँ से नीचे लेंगे और एक धागे को इसी स्टिच के यहाँ से पीछे की तरफ लेंगे। यहां पर नॉट लगाएंगे। इस फ्रॉक को यहाँ पर अटैच करेंगे ताकि यहाँ से हिलेगा नहीं।
यहाँ पर बस सिंपल नॉट लगानी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस तरफ से भी वैसे ही करेंगे। यहां पर एक नट लटकन लगाएंगे। लटकन हम ब्लू कलर का लगाएंगे, थोड़ा ऐसे पकड़ेंगे। चार उंगली से थोड़ा ज्यादा चाहिए, इसलिए उंगलियों को ऐसे गैप में पकड़कर ऐसे आप इसमें थोड़ा लंबा लटकन भी लगा सकते हो, या तो फिर यहाँ पर आप पॉम पॉम भी लगा सकते हो। मुझे तोरण में पॉम पॉम की जगह पर लटकन ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं लटकन ही लगाती हूँ। दो तीन बार ऐसे लपेट कर एकदम टाइट नॉट नॉट लगाएंगे। अभी हम लटकन के धागों को काटेंगे। आंखों के लिए मैंने यहाँ पर ये मनी, ये ब्लैक कलर के मनी है जो मंगलसूत्र में यूज होते हैं, वो है। देखिए फ्रेंड्स, डॉल तोरण तैयार हो गया है। आप भी इसे जरूर ट्राई करिए। ये तोरण आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।